सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आणि वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स या समितीचे चेअरमन असलेले संतोष शुक्लाजी इथं बेळगावला आलेत. आमच्या प्रदीप सासणेंच्या वर्ल्ड रेकॉर्ड संदर्भातील त्यांच्याकडूनच थोडी माहिती घेऊया. शुक्लाजी नमस्ते. तो हमने सुना की आप यहाँ पे आए वर्ल्ड रेकॉर्ड का परिशीलन करके आप सर्टिफिकेशन देंगे, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी. जी, आज हम बेलगाम के अंदर आए हुए हैं. सबसे पहले तो तरुण भारत को मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ मेरे पूरे परिवार की तरफ से, लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से. और प्रदीप जी पिछले 6 महीने से प्रयासरत थे कि हमारी कोई टीम बेलगाम आए, और हमने पिछले कार्यक्रम मुंबई में भी कहा इन्हें कि आप बप्पी लहरी जी से ये अवार्ड ले लीजिए, पर व्यस्तता के कारण हम आ नहीं पा रहे थे. लेकिन इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने कहा कि नहीं सर, आप ही आएँ और हमारे बेलगाम में ही, हमारे बेलगाम के नागरिकों के सामने मैं ये रिकॉर्ड बनाऊंगा और हम सबके बीच आप हमें अवार्ड दें. और हम सबके बीच आज दिल्ली से डॉक्टर भरत शर्मा जी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं. और मैं शुभकामना देता हूँ, अग्रिम शुभकामना देता हूँ प्रदीप जी को कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और बेलगाम का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज करें. यावेळी साऱ्या मान्यवरांच्या हस्ते सासणे यांना विक्रमाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. शहर में एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा रिकॉर्ड स्थापित किया गया जो अपने आप में यूनिक है. आप ही के बेलगाम शहर के निवासी प्रदीप ससाने जी ने रिकॉर्ड ब्रेक करा है. 10 मिनट से ज्यादा अवधि तक उन्होंने सूर्य को एक टक आंखों से देखकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया है. हालांकि रिकॉर्ड 10 मिनट का दिया गया है उन्हें और उससे ज्यादा समय तक वो अभी देख रहे थे, उनको रोका गया. ये अपने आप एक यूनिक रिकॉर्ड है और मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के एशिया पैसिफिक हेड होने के नाते और भारतीय सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के एनसीएफ मेंबर. विक्रमवीर ठरणारे प्रदीप सासणे जी आमच्या बरोबर आहेत. त्यांचा जागतिक विक्रम सर्वप्रथम तरुण भारतच्या माध्यमातूनच त्यांनी सगळ्या जगासमोर मांडला, तर आज त्यांना काय वाटतंय पाहूया. सर नमस्कार, आज तुमची भावना काय आहे, प्रतिक्रिया काय आहे, कसं वाटतं? आज फार मी प्राऊड फिलिंग करतो सर, कारण आजचा जो दिवस आहे मी आयुष्यातही कधी विसरणार नाही. कारण आज मी माझ्या देशाचं, भारताचं नाव संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये आज एक त्याला हे करत म्हणजे पूर्ण गाजवत आहे. आजच्या रेकॉर्डनंतर संपूर्ण जगाचे जे आमच्याकडचे बघण्याची दृष्टी आहे म्हणजे भारताकडे एक आत्मीयता आणि एक आपुलकी. कारण हे रेकॉर्ड्स कुणीही केले नाही आहे, सूर्याजवळ कुणीही केले नाही. तुम्ही ऐकलं असाल की नासावाले आपलं यान पाठवून आपल्याला सूर्याला टच करत, पण भारतामध्ये डायरेक्ट सूर्याला बघायला हे एका भारतासाठी आपल्याला अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि त्यासोबत माझ्या बेळगावसाठी, बेळगावचं जे नाव आहे ते माझी इच्छा होती की संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांडामध्ये करायचं. माझं जन्मगाव आहे पडली हाळ, जन्मगावाचं काहीतर नाव करायचं होतं, ते आज मी करवलं याचा मला खूप अभिमान वाटायला आहे. उनके आंखों के सामने एक सूरज की ऐसी एक फ्लैश आई, एक सूरज का एक ऐसा एक फ्लैश हुआ, तब उनको बहुत अचंभित हो गए. तो ये मेरे सामने ऐसा क्यों हुआ? तब जाके उन्होंने अपने मंदिर में जाके अपने आराध्य देवत के सामने उन्हें नतमस्तक होने के बाद उन्होंने अपने अंतर्मन को पूछा, आज मुझे एक कहां की अनुभूति हो रही है. तब जाके फिर से एक बार उन्होंने अपने आराध्य देवता को धन्यवाद देते हुए जो अनुभूति उनको हुई थी वो फिर से ढूंढने के लिए, देखने के लिए वो बाहर आए और बाजू के सामने की जो एक बिल्डिंग थी उसके ऊपर गए. टेरेस के ऊपर जाके उन्होंने सामान्यतः जो मनुष्य देखता है वो सूरज को देखने की कोशिश की, तब वो अचंभित हो गए. तो मुझे भगवान ने कौन सी ताकत दी है? उससे पहले उनको हमारी तरह सामान्य जो मानव मन रहते हैं उनको आंखों के लिए रोशनी जो रहती है उसकी जो ताप है सूरज का वो सहन नहीं करे 2 सेकंड के लिए भी. आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इस प्रखर धूप में कोई सहन नहीं कर सकता. और भाई
भूमि को फिर से एक बार विश्व गुरु बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास सहायक हो। इसलिए मैं प्रदीप सासने जी का ये जो साहस है इसके लिए सब यह भावनाओं को मैं अपील करता हूँ कि वो जोरदार तालियां बजाकर उनको फिर से प्रोत्साहित करें, छोटा स्वागत करें। क्या है कौन सा टूर मिला आपको? गोवा। गोवा कौन जा रहा है? गोवा भी कुछ प्लान है, क्या होता जाएगा?